बॉलीवुड से एक के बाद एक एक्ट्रेसेस के ऊपर ईडी की नजर बनी हुई है और ईडी लगातार सभी को समन कर रहा है। जी हाँ, और अब इस झांसे में आ गई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी बहुत जल्द क्वेश्चन करने वाली है। जी हाँ, ऐश्वर्या को समन किया गया है और ये किस मामले में है वो भी आपको बता देते हैं। ये कहा जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस को लेकर ऐश्वर्या को कहीं ना कहीं पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में खबर जारी करते हुए एनडीटीवी कहते हैं, एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन वाज क्वेश्चन्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टुडे ऑन फॉरेक्स वायलेशन एलिगेशन रिलेटेड टू द पनामा पेपर्स। आप सभी को पता होगा पनामा पेपर्स का मुद्दा बहुत ज्यादा निकल कर आया था। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि टैक्स को बचाने के लिए ये एक तरीके से कई डॉक्यूमेंट्स को लीक किया गया था, पॉलिटिशियंस के, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के, बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लीक किया गया था ताकि किसी हद तक टैक्स बचाया जा सके। सेलिब्रिटीज का वर्ल्ड वाइड इस चीज में नाम आया था, उसी में तकरीबन 300 हिंदुस्तानियों का भी नाम था, जिसमें से एक नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का भी था। और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत जल्द ऐश्वर्या से इस बारे में पूछताछ हो सकती है। इसी के आगे इशूड नोटिसेस टू द बच्चन फैमिली आस्किंग देम टू एक्सप्लेन देयर फॉरेन रेमिटेंसेस सिंस 2004 अंडर द LRS स्कीम। जी हाँ, यानी कि LRS स्कीम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत सारी अकाउंट्स जहां पर है ऑलरेडी बच्चन फैमिली के, उनसे पूछा गया था 2004 से लेकर अब तक के जितने भी उनके रेमिटेंसेज हैं उस बारे में वो बताएं, उस बारे में वो जानकारी दें। आपको बता दूं कि ऐश्वर्या ने अपने रिकॉर्ड्स ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं और थोड़ा सा वक्त मांगा है कि वो ईडी के समन को रिस्पॉन्ड कर सके। वेल, आपको क्या है कहना ऐश्वर्या को लेकर, आप हमें बताइएगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।